नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। और मध्य प्रदेश को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उस सुनवाई में नए नए मोड़ आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्यपाल के पास वो सारी पावर संविधान के द्वारा दी गई हैं जिनको न होने का दावा कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी कर रहे हैं, जो कि स्पीकर और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से संविधान की गलत व्याख्या एक बार फिर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दे रहे हैं। दरअसल जब से संविधान बना है तब से लेकर अब तक और जो भी कानून देश में चल रहे हैं उनकी सबसे ज़्यादा गलत तरीके से व्याख्या अगर किसी ने की है तो वो कांग्रेस के वकीलों ने ही की है। और इसका पिछला उदाहरण था कि कर्नाटक का जो स्पीकर था जो रमेश कुमार, उसने भी संविधान को 2 महीने तक ताक पर रख दिया था और लोगों की जुबान पर एक कहावत आ गई थी कि कर्नाटक का नाटक कब तक चलेगा। वो नाटक तो आखिरकार ख़त्म हुआ और उसका जो एक तरीके से अंत होना था वही हुआ जिसकी शुरुआत में उम्मीद थी, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस उसको दो महीने तक लंबा खींचने में कामयाब रही थी। और ऐसा लगता है कि अब कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की मदद से कांग्रेस इस मध्य प्रदेश के नाटक को भी ज़्यादा लंबा खींचना चाहती है और कम से कम 26 मार्च तक तो इसको खींचना चाहती है जब तक राज्यसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस को ये लगता है कि अगर स्पीकर के मदद से और संविधान की गलत व्याख्या के द्वारा जजों को वो कंफ्यूज करके या नई बेंच को इस मामले को रेफर करा के टलवा देंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें राज्यसभा की एक के बजाय 2 सीट मिल जाएंगी, जिसकी उम्मीद वो पहले से लगा रहे थे, लेकिन उनका खेल बिगाड़ दिया था ज्योतिराज सिंधिया ने। आज जो दलीलें हुई उनकी जिक्र करते हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि स्पीकर के पास ये सोल पावर होती है कि वो डिसाइड करें इस्तीफे लेने हैं या नहीं लेने, सत्र कब बुलाना है, बाकी पावर राज्यपाल के पास नहीं होती। जबकि संविधान के अनुसार विधायिका का और एग्जीक्यूटिव का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है राज्य के अंदर वो राज्यपाल होता है। संविधान में इसकी स्पष्ट व्याख्या है। स्पीकर के अधिकारों को केवल सदन को चलाने तक सीमित रखा गया है, लेकिन कांग्रेस के, जैसा कि हमने शुरू में कहा कि ये जो वकील होते हैं ये लॉ को किसी भी तरीके से इंटरप्रेट करके घुमा सकते हैं। और एक और बड़ी बात जो ज़्यादातर बड़े बड़े लॉ कॉलेजेस में सिखाई जाती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में खासकर जहां हम भी विद्यार्थी रहे, वहां ये कहा जाता है कि ट्राई टू कन्विंस द जज, अदरवाइज ट्राई टू कन्फ्यूज द जज एंड देन द केस विल बी इन योर फेवर। इसका हिंदी में मतलब ये है कि पहले तो जज को आप अपने पक्ष में सहमत करने की कोशिश करिए, और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसको आप एक तरीके से भ्रमित करने की कोशिश करिए, और जब जज भ्रमित हो जाएगा तो फैसला आपके पक्ष में आ जाएगा। और कांग्रेस हमेशा यही करती रही है। कांग्रेस ने यही आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से किया। ये पिछले 4 दिनों से केसेस पेंडिंग है, उसके बावजूद इतनी सीधी सादी बात होते हुए भी जज अभी तक ये फैसला नहीं दे पा रहे हैं कि स्पीकर के पास जो पावर्स हैं वो सीमित हैं और उन सीमित पावर्स का वो इस्तेमाल असीमित तरीके से नहीं कर सकते हैं। लेकिन 2 बार ऐसा कांग्रेस ने किया, कर्नाटक में रमेश कुमार ने जिस तरीके से संविधान का मखौल उड़ाया, सुप्रीम कोर्ट का मखौल उड़ाया, और यहाँ भी एनपी प्रजापति नाम का ये कांग्रेस का स्पीकर फिर से संविधान को ताक पर रख रहा है। और उसकी तरफ से वकालत करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी नाम का ये बड़ा वकील संविधान को अपने तरीके से व्याख्यायित करने की कोशिश कर रहा है। आज डीवाई चंद्रचूड़ और अहमद गुप्ता की पीठ ने बार बार ये पूछा और ये स्पष्ट कर दिया कि राज्यपाल के पास सत्र बुलाने की और बहुमत के लिए कहने की पूरी पावर होती है। अभिषेक मनु सिंघवी ने यह तो कहा कि राज्यपाल के पास ये पावर है, लेकिन उसने कहा कि इसको पूरी तरीके से क्रियान्वित करने का अधिकार स्पीकर के पास है। अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल दोनों ये भूल गए कि जब चुनाव होता है और उसके बाद राज्यपाल ही स्वविवेक से ये निर्णय करते हैं कि किसकी सरकार बन सकती है, किसके पास बहुमत है। और ऐसा पहले कई राज्यों में हुआ है कि परेड कराई गई है और परेड में जिसके पास ज़्यादा विधायक होते हैं राज्यपाल उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर देते हैं। यहाँ के केस में भी आज इसके जिक्र भी तुषार मेहता ने, जो कि राज्यपाल की तरफ से वकालत कर रहे थे, उन्होंने कहा भी कि राज्यपाल ने जो कहा, और इसका जिक्र अभिषेक मनु सिंघवी ने भी किया कि राज्यपाल ने जो आदेश दिया है उसमें कहा है कि 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, इसलिए टीवी और मीडिया में खबरें हैं
ये मुझे लगता है कि जो सरकार है वो बहुमत खो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक वो सत्य है जिसको कांग्रेस जुटलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस ये कहने की कोशिश कर रही है कि वो जो विधायक हैं वो पहले उस स्पीकर के पास आएंगे, जिसको बिना किसी अधिकार के, बिना किसी संवैधानिक उपबंध के कांग्रेस एक सर्वोच्च न्यायालय के जज से भी बड़ा जज दिखाने की कोशिश कर रही है, और ये कहने की कोशिश कर रही है कि वो परमात्मा द्वारा आकाश से गिराया गया एक ऐसा व्यक्ति है कि वही केवल सच का निर्णय कर सकता है, बाकी लोग नहीं कर सकते। कांग्रेस यह भी दिखाना चाहती है कि संविधान को कांग्रेस जैसे व्याख्या करे उसी तरीके से पूरे देश को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। कांग्रेस ने आज तक जो कुछ किया है उसी का नमूना ये दोनों कांग्रेसी वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल दे रहे हैं, जबकि तुषार मेहता और मुकुल रोहतगी जो कि शिवराज सिंह चौहान की तरफ से वकालत कर रहे हैं, उन्होंने बार बार कहा कि राज्यपाल ने जो कुछ किया है वो पॉपर सुन के पास है। और अभिषेक मनु सिंघवी ने एक और तुर्रा छोड़ने की कोशिश की, उसने ये कहा कि मैं, यानी कि वो स्पीकर की तरफ से कहा कि मैं चाहता हूं कि दो हफ्ते के अंदर मैं इस पर निर्णय कर दूंगा, इसलिए अदालत कोई आदेश न दे, और अगर ऐसा आदेश दिया जाता है तो ये गलत परंपरा पड़ेगी, मेरे अधिकारों का यानी स्पीकर के अधिकारों का हनन होगा और ये ठीक नहीं होगा, संविधान के खिलाफ होगा। मैं दो हफ्ते में ये डिसाइड कर दूंगा कि उनके इस्तीफे लेने हैं या नहीं लेने, तब तक इस मामले को टाल दिया जाए। यानी कि वही बात जो हमने कही, कमलनाथ हो या फिर स्पीकर एनपी प्रजापति का वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कमलनाथ का वकील कपिल सिब्बल, ये दोनों चाहते हैं कि 26 मार्च तक किसी भी तरीके से इस मामले में फैसला न आए, फ्लोर टेस्ट की बात नहीं हो, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि फ्लोर टेस्ट में कमलनाथ की सरकार तो जानी ही जानी है, लेकिन अगर उससे पहले फ्लोर टेस्ट कराने की बात कर दी गई तो एक सीट का नुकसान सीधे तौर पर राज्यसभा का कांग्रेस को हो रहा है, जिससे बचने के लिए कांग्रेस ये पूरा का पूरा ड्रामा खेलने की कोशिश कर रही है। निश्चित तौर पर यहां कांग्रेस संविधान की गलत व्याख्या करा रही है, पूरी तरीके से राज्यपाल को वो डिमीन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्यपाल जो संवैधानिक मुखिया होते हैं राज्य के, उनसे भी बड़ी ताकत विधानसभा के उस स्पीकर के पास है जो कि सरकार के हाथों की कठपुतली होता है, मुख्यमंत्री का चाटुकार होता है, चमचा होता है, और मुख्यमंत्री का जिस पर विश्वास होता है उसी व्यक्ति को विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है, जिसके पास संविधान द्वारा कोई विशेष पावर नहीं होती, केवल और केवल सदन को संचालित करने का अधिकार उसका होता है, संचालित करने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन कांग्रेस यह कहने की कोशिश कर रही है कि जो स्पीकर होता है वही सर्वे सर्वा होता है। सीधे तौर पर इस पूरे मामले में कोर्ट की तरफ से अभी तक जो थोड़ी बहुत ढील देखने को मिल रही है उसकी वजह भी समझ में आ रही है। कोर्ट ने हमेशा इस देश में एक बात के आरोप लगते रहे, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, कि जब भी कोई केस भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों की ओर से आता है तब उस पर ये बहुत त्वरित गति से निर्णय सुनाते हैं, लेकिन जैसे ही कांग्रेस के बड़े बड़े वकील किसी केस को लेकर आते हैं कांग्रेस के पक्ष में, तो वो केस बहुत ज़्यादा लंबा खींचा जाता है, सुप्रीम कोर्ट हील हवाला देता है और सही तरीके से उन चीज़ों में निर्णय देने में आनाकानी करता रहा है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट। ये मेरी राय नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी हकीकत है जो बहुत ज़्यादा कड़वी है, और ये हकीकत हमेशा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उन जजों को सवालों के घेरे में खड़े करता है कि जैसे ही कोई केस कांग्रेस या उसके लोगों की तरफ से होता है, उनके खिलाफ होता है, उसमें वो इतनी ज़्यादा पेचीदगियाँ क्यों ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि दूसरे मामलों को वो बड़ी जल्दी निपटा देते हैं। 24 घंटे में फ्लोर टेस्ट के आदेश भी सुप्रीम कोर्ट दे चुका है, दो दिन में, 48 घंटे में भी दे चुका है, लेकिन इस तरीके से केवल दो केसेस अभी तक हुए हैं जहां पर स्पीकर के द्वारा इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को कई हफ्तों तक बरगलाया गया हो। पहला केस था कर्नाटक का, और ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बार बार जिस तरीके की बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, उससे ये लगता है कि वो बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी को, और यही वजह है कि कांग्रेस ने जब से शासन शुरू किया है तब से वो बड़े बड़े वकीलों को अपने यहाँ चाटुकार बनाकर रखती है, अपने यहाँ सीट देती है, मंत्री बनाती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर कहीं मामला सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में फंसेगा तो यही बड़े वकील जाकर बाद में उसके पक्ष में निर्णय कराने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर संविधान की बात की जाए, कानून की बात की जाए, नियमों की कानून बात की जाए, तो निश्चित तौर पर राज्यपाल ने जो आदेश दिया था स्पीकर को और कमलनाथ को, उसका पालन होना चाहिए था, और सुप्रीम कोर्ट को यह चाहिए था कि इस आदेश के पक्ष में निर्णय देते, और वो कहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी फ्लोर टेस्ट कराइए, लेकिन यहाँ जिस तरीके से टालमटोल करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लगता है कि कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह अपनी कोशिशों में कुछ हद तक अभी तक कामयाब हुए हैं।
वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से यह भी कहा गया कि स्पीकर के लिए वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा सकते हैं। और मनिंदर सिंह जो कि विधायकों के वकील हैं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और हेमंत गुप्ता चाहें तो वो सभी विधायक उनके चैम्बर में आकर भी अपने इस्तीफों पर बात कर सकते हैं। लेकिन इसको भी अभिषेक मनु सिंघवी ने खारिज कर दिया और ये कह दिया कि नहीं, ये संभव नहीं है, उन्हें व्यक्तिगत तौर पर ही मेरे सामने आना पड़ेगा। लेकिन यानी कि जो कुछ कानून में नहीं है वो भी आज कांग्रेस कराने की कोशिश कर रही है। और अगर इस मामले में जल्दी फैसला नहीं आता है तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पर भी लोगों को सवाल उठाने का मौका मिलेगा कि जब अगर दूसरे मामलों में इतनी जल्दी निर्णय हो जाते हैं तो कांग्रेस के बड़े वकीलों की वजह से ये मामला क्यों लटकाया जा रहा है। और इसकी वजह से मध्य प्रदेश में जो जल्दी से जल्दी जो निर्णय होने चाहिए थे, बजट भी अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसके बावजूद इस मामले में इतनी ढील देने का कोई मतलब नहीं होता है। और जिस तरीके से ये दोनों के दोनों वकील अपने पैसे को भी एक तरीके से सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं, कोर्ट के बारे में कहा जाता है कि कोर्ट उन कानूनों के आधार पर निर्णय करता है जो पहले से बनाए हुए होते हैं, और वकील का काम होता है उन कानूनों की सही तरीके से व्याख्या करके कोर्ट को उस फैसले तक पहुंचने में मदद करें, न कि उसे भ्रमित करें। तो निश्चित तौर पर इसमें जो दलीलें हुई हैं, बार बार डीवाई चंद्रचूड़ ने कांग्रेस डांटने की भी कोशिश की है, लेकिन जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल दलीलें दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो इन दोनों जजेस को दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि जब अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहा कि दो हफ्ते का समय दिया जाए, तो इस पर डीवाई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि दो हफ्ते का समय देना एक तरीके से सोने की खदान सरकार को देना होगा, क्योंकि इससे जो हॉर्स ट्रेडिंग है, खरीद फरोख्त है, उसकी संभावना बढ़ जाएगी। और जैसा कि 16 विधायकों के पक्ष में जाने का उन्हें डर लग रहा है, उसको वो कामयाब हो जाएंगे अपने पक्ष में करने का। उसके साथ साथ डीवाई चंद्रचूड़ हेमंत गुप्ता ने यह भी कहा कि इस तरीके से मामले को ज़्यादा नहीं लटकाया जा सकता, लेकिन राज्यपाल के जो अधिकार हैं उसकी भी हम जानकारी रखते हैं और स्पीकर को भी अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करना चाहिए। सीधे तौर पर दो हफ्ते का समय देने को तो सुप्रीम कोर्ट राजी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये मामले को और टलवाना चाहते हैं और बातें की जा रही है कि अभी वो पूरी तरीके से इस पर जवाब नहीं दे सकते, विचार करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये अभी तक ये चल रहा है कि वो भी निर्णय आज अगर दे देते हैं तो निश्चित तौर पर यह मध्य प्रदेश के हित में होगा। और जिस तरीके से कांग्रेस ने दो जगह पर स्पीकर के पद को गलत तरीके से व्याख्यात करने की और उसकी आलोचना कराने की कोशिश की है, उस पर भी विराम लगेगा। निश्चित तौर पर यहां पर सुप्रीम कोर्ट को यह चाहिए कि वो संविधान के अनुरूप फैसला लें और राज्यपाल को जो संविधान ने शक्तियां दी हैं विधायिका को लेकर, उसका उन्हें पालन करने दें और स्पीकर को निर्देश दें कि वो जल्दी से जल्दी फ्लोर टेस्ट कराकर मध्य प्रदेश की स्थिति को पूरी तरीके से स्पष्ट करें। जय हिंद, जय भारत।